नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार। राजधानी भोपाल में शिवरात्रि के महोत्सव पे देख सकते हैं श्री पशुपतिनाथ नेपाली समाज द्वारा विशाल भंडारा एवं भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। भाई साहब, कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, कितने साल चल रहा है ये? पिछले 46 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये अभी 46वां समाज शिवरात्रि पर्व हम लोग मना रहे हैं नेपाली समाज द्वारा। 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, परसों से ये कार्यक्रम चालू था। कल विशाल गंगा जली कलश यात्रा राम मंदिर गुरुबख्श की तलैया से निकली थी, वो दोपहर 12 बजे मंदिर में आकर के जल आवेश के बाद समापन हुआ था। तो कंटिन्यू दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा, चलता रहा। आज सुबह से ये विशाल भंडारा कम से कम 10,000 लोगों को यहाँ हम खिलाते हैं, तो वो तैयारी आज सुबह से थी। और हमारे स्वयंसेवक साथी सब सुबह से खाना बनाने में लगे हुए हैं। अब दोपहर 12 बजे से गणेश पूजन और कन्या भोजन के साथ से कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 4 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, 4 बजे कार्यक्रम समापन होगा, उसके बाद हमारी शिवरात्रि का कार्यक्रम इसी लगातार समाप्त हो जाएगा। नाम पूरा परिचय? मेरा नाम विष्णु प्रसाद शर्मा है, मैं पशुपतिनाथ नेपाली समाज का अध्यक्ष हूँ। आज जेल से भी साहब पधारे हैं सर, आज आप कार्यक्रम में उपस्थित आए हैं, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? धार्मिक कार्यक्रम है ये, धार्मिक कार्यक्रम है और इतना बृहद भंडारे का आयोजन है, इसके लिए समाज को जितनी भी बधाई दी जाए कम होगी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि समाज इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित करते रहे, जिससे समस्त धर्मावलंबियों को इसका लाभ प्राप्त होता रहे। देख सकते हैं विशाल ये भंडारा भी किया जा रहा है, कैमरामैन से दिखा, यहाँ पर हजारों लोगों के लिए प्रसाद वितरण किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में सेवा हो रही है। कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, दूर तक तमाम लोग लगे हैं सेवा भाव के रूप से। तो पशुपति नाथ जो नेपाली समाज का जो मंदिर है, उस समाज मंदिर की समिति की ओर से यह हर साल प्रतिवर्ष यह भंडारा किया जा रहा है। लगभग 46 सालों से यह भंडारा हुआ है, कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ यहाँ के अध्यक्ष भी हैं और जो यहाँ से समिति में जुड़े हैं उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कार्यक्रम को लेकर? पशुपति नाथ नेपाली समाज में 46 वर्ष देख से ये महाशिवरात्रि का अवसर महाभंडारा के कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ हजारों लोग ये भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। हम 7 तारीख को गणेश पूजा किया और 8 तारीख को हमारे राम मंदिर से कलश यात्रा, महा गंगा जली कलश यात्रा निकाले और ये ठीक 12 बजे अभिषेक हुआ। उसमें हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर विश्वास सारंग जी, कृष्णा गौर जी, हमारे महापौर एवं अन्य पार्षद, उसके साथ में हजारों, यदि आप कल के दृश्य देखते हैं तो पूरे इंडिया में ये पशुपतिनाथ के मंदिर में ये इतना भीड़ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और आज हमारे कंटिन्यू से हम ठीक 12 बजे से हमारा ये भंडारा शुरू हुआ था, अब शाम तक ऐसी भीड़ आपको देखने का मिलेगा। ये मीडिया की तरफ से मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु ये पशुपतिनाथ के दर्शन करे और पुण्य लाभ कमाए और हर मनोकामना पूरा करे। इतना शक्ति है भोले बाबा का, ये कोई नहीं कह सकता। जो भी नेतागण यहाँ आके माथा टेक के चले जाते, वो मंत्री बने, संसद बने। अब देखो हमने देखते देखते नरेंद्र सिंह तोमर हो गया हमारे, और मैंने देखा अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तब से यहाँ हर चीफ मिनिस्टर आते। हमारे शिवराज सिंह जी जब हमारे डोलराज गहरे अध्यक्ष थे, उसके उनके कार्यकाल में ये स्वर्ण कलश शिवराज सिंह के हाथ से लगाया था। अब ये भगवान के हर कार्य चल रहा है, आप धर्मशाला बन रहा है, पब्लिक यही है। सब मीडिया को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपके माध्यम से पूरे इंडिया में पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लोग आए, धन्यवाद। नाम परिचय? मैं लोकनाथ शर्मा तिमिसना, यहाँ समाज का प्रमुख सलाहकार हूँ। जुड़े रहे हमारे साथ, नीएम एस कमा की रिपोर्ट भोपाल। करीबम 46-47 साल से हम लोग यहाँ स्थापन किया है भोले बाबा का, और ये प्रमुख करके नेपाली समाज से जुड़ा है, धार्मिक आस्था और खास करके मतलब धर्म से जो जुड़ा है, हिंदुत्व धर्म को आगे ले जाते हुए हम लोग इसमें कार्यरत हैं। और नेपाली समाज ओनली नेपाली समाज न हो के हमारे यहाँ भारतवर्ष के जितने भी हिंदू धर्म में आस्था मान रखते हैं, उनको सब प्रेम हम यहाँ स्वागत करते हैं। और हिंदुत्व को आप जानते हैं, सब विश्व जानता है, हिंदू धार्मिक हिसाब से भी हम हिंदू धर्म लंबे विश्व में मतलब फैले रखे हैं और चर्चित हैं।
और श्री पशुपतिनाथ मंदिर भोले बाबा जो इनका मेन 11-12 ज्योतिर्लिंग से हम लोग यहाँ काठमांडू के पशुपतिनाथ को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं की शिला के हिसाब से यहाँ पर भी दर्शन हो जाए करके इस मंदिर की स्थापना किया था। और ये सालों से है और हम लोग शिवरात्रि लगायत विभिन्न पर्व गणेश चतुर्थी और विभिन्न जितने भी मतलब हमारे हिंदू धर्म में आते हैं वो संपूर्ण यही मनाते हैं। और ख़ास करके मैं एक चीज़ ये भी स्पष्ट कर दूं, ये अभी फाल्गुन मास जो अपने कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि में शिव जी का जो शिव विवाह होता है इसको पौराणिक रूप से ऐसा माना गया है, वैसे कृष्ण पक्ष के में हर महीने शिवरात्रि का वो रहता है, फिर भी ये महाशिवरात्रि कहलाता है जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी उसमें आता है। तो समस्या भाई को भाई यहाँ मंच का आ रहा था सूरज सुवेदी भाई गाड़ी नंबर 1 इनकी जिम्मेदारी छुट्टी पहले समाज के देखना है तो सबनी ये कुछ बाटो था जो बाटे बसा कर यहाँ ग्रहण करो ना सब लाइ तो बाटो ना बंद करो ना सब